questions and commands requests but before going to that topic we must know that there are two different ways in which we can report the words of a speaker बोलने वाले के कथन को हम दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं directly or indirectly और इसी आधार पर इसका नाम हुआ डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच कंटेन्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन इन्वर्टेड कॉमास जब बोलने वाले के कथन को एक्चुअली उसी के शब्दों में रखा जाए बोला जाए इनवर्टेड कॉमा के अंदर ये हो गया डायरेक्ट स्पीच For example, he said to me, "I am feeling well today." See here. It is the statement is in inverted comma. Now, indirect speech. Indirect speech gives the substance of the speaker's actual words and not the exact words spoken by him or her. तो बोलने वाले के कथन को हुबहू उसके शब्दों में नहीं बोला जाता बल्कि उसके सबस्टांस को उसके भाव को रखा जाता है जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वॉज फीलिंग वेल दैट डे दिस इज इन डायरेक्ट स्पीच आफ्टर दैट यू मस्ट नो अबाउट द रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर गिवेन विद इन इन्वर्टेड कॉमा जो इनवाइटेड कॉमा में है उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच हियर राम सेज टू मी आई सेल बीट यू आई शैल बीट यू इज इन इन्वर्टेड कॉमा दैट्स वाई इट इज रिपोर्टेड स्पीच इन द सेम वे दर विच इंट्रोड्यूस इज द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग भर यहां पर इसको रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है राम से तो ये हो गया रिपोर्टिंग भर तो इन्वर्टेड कौमा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच और इन्वर्टेड कौ के बाहर वाला रिपोर्टिंग भर नौ

वेरी सिंपल बहुत आसान है पहला तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू टेन्स द रिपोर्टिंग भर्व इज चेंज एज अंडर रिपोर्टिंग भर में अगर सेज टू है टेल्स हो जाएगा सेज है सेज ही रहेगा सेड टू टोल्ड हो जाएगा सेड सेड रहेगा स्टेप टू इन्वर्टेड कॉमा आर रिमूव्ड एंड दैट इज एंड दैट इज यूज आफ्टर कॉमा वी शैल यूज दैट एंड वी शुड रिमूव द इन कॉमा यानी इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट नरेशन में कॉमा नहीं होगा स्टेप थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज एज अंडर फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन एज यू नो आई वी फर्स्ट पर्सन होता है चेंजेज इन टू सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यू योर विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन देर विल भी नो चेंज ही शीट में कोई चेंज नहीं होगा द रूल ऑफ सन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन नो चेंज इन दिस वे सन रूल हियर फॉर एग्जाम्पल हीज आई एम ए वॉय हियर आई इज फर्स्ट पर्सन तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन हम क्या बताए थे इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दब्जेक्ट हियर सब्जेक्ट इज ही दट वाई

राम सेज दैट इज वी हैव टू एडट आफ्टर कॉमा एंड द रेस्ट विल बी द सेम ही विल से फ्यूचर टेंस राम हैज ए पेन राम विल से दैट राम हैज ए पेन ना इफ द रिपोर्टिंग भर विज इन पास टेंस अगर रिपोर्टिंग भर प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं हो पास टेंस में तब क्या होगा द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज एज अंडर मोटा मोटी जानिए कि अगर रिपोर्टिंग फॉर पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में बदलेगा कैसे बदलेगा सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट पास परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंपल पास्ट पास परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट नो चेंज एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज विल कोड बना देंगे सेल वुड हो जाएगा कैन गुड एंड मे माइट देन स्टेप फाइव विल बी वर्ड शोइंग नियरनेस आर जनरली चेंज इन टू वर्ड एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस जैसे नाउ का क्या हो जाएगा देन दिस दैट दीज का दोस्त हियर देयर एगो का बिफोर टूडे दैट डे में हो जाएगा यस्टरडे प्रीवियस डे टुमरो नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे एंड लास्ट रोल लास्ट स्टेप विल बी इफ द रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ दिल नॉट चेंज यानी स्टेटमेंट में यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा सिर्फ कॉमा हटा करके दैट लगा देना है द टीचर सेट द अर्थ इज राउंड द टीचर सेट दैट द अर्थ इज राउंड सो